हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के भी टू पार्ट्स हैं और हमें इन दोनों पार्ट्स को अराउंड 30 टू 40 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एवेलिन को म्यूजिक में अपना करियर बनाने में किसने हेल्प करी है, उसने क्या किया और क्या कहा। दोस्तों हमने इस कहानी में देखा कि एवेलिन ग्लेनी की लाइफ में रॉन पॉप्स जो कि एक परकशनिस्ट थे उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने एवेलिन के अंदर जो पोटेंशियल है उसको एनालाइज किया और उसको सजेस्ट किया कि वो कानों से नहीं बल्कि अपनी बॉडी की डिफरेंट पार्ट से साउंड की वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करे। और दोस्तों इसी वजह से जो एवेलिन ग्लेनी है वो म्यूजिक में अपना करियर बना पाए। अब देखिए, ये सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं और ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके लिए एवेलिन ग्लेनी परफॉर्म करती है, म्यूजिक बजाती है। दोस्तों हमने देखा कि जो एवेलिन ग्लेनी है वो ग्लोबल लेवल पर स्टेज पे कॉन्सर्ट्स करती है, साथ में प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में वो फ्री में कॉन्सर्ट्स करती है और बहुत सारे यंग जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं उनको वो क्लासेस भी देती हैं, पढ़ाती हैं। दोस्तों इन सारी चीजों को हम बहुत ही इजीली अपने पार्ट में लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है इसका रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। उस रिटन सॉल्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।